Hey guys, and recently HBO Max के चीफ कंटेंट ऑफिसर कैसे ब्लॉइस ने गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन के बारे में कुछ अपडेट दी हैं, प्लस इसकी स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में भी, जिनको आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड फॉर दिस वॉच वीडियो टिल दी एंड। अब देखो, पहली अपडेट तो ये है कि फाइनली शो की फिल्मिंग खत्म हो चुकी है, जो कि काफी लंबी चली, करीबन 7 से 8 महीना। एंड देखो, यही रीजन है कि पहले शो की ऑफिशियल प्रीमियर डेट को अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि एक तो शो काफी बड़ा है, ऊपर से शूटिंग स्टार्ट हुई थी पैंडेमिक में, जो कि कभी भी बंद करनी पड़ सकती थी, तो ऐसे में कमिटमेंट देकर उसे पूरा ना कर पाना तो वो चीज सही नहीं होती, उल्टा फैंस डिसअपॉइंट ही होते। और क्योंकि अभी शो की फिल्मिंग खत्म हो चुकी है, तो कैसे ब्लॉइस ने कहा है कि फैंस को जल्दी ही शो के बारे में कोई अपडेट मिल सकती है, यानी कि अपडेट सून, क्योंकि आगे वो कहते हैं, वी विल टॉक अबाउट देयर गाइस एंड फिगर आउट व्हाट वी वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ अनाउंसिंग अ डेट, यानी कि शो की डेट को कब तक अनाउंस करना है इसके बारे में वो अब जाकर अपनी टीम से बात करेंगे। एंड साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा है कि डेट 2022 ही होगी, क्योंकि दी लास्ट ऑफ अस अब आपको इस साल नहीं बल्कि 2023 में जाकर देखने को मिलेगी। एंड इसके हिसाब से हाउस ऑफ द ड्रैगन आपको 2022 के सेकंड हाफ तक ही देखने को मिल पाएगी, उससे पहले तो मुश्किल है। एंड ये ठीक भी है, क्योंकि पॉसिबल है कि इससे पहले HBO Max इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा और फिर ये शो आपको हिंदी डब में देखने को मिल सकता है, जो कि वाकई फैंस के लिए काफी अच्छी बात होगी। अब देखो, आज से कुछ टाइम पहले ऐसी अपडेट निकल के आ रही थी कि HBO Max गेम ऑफ थ्रोन्स की मल्टीपल स्पिन ऑफ सीरीज पर काम कर रहा है, लाइक 9 वॉयजेस, AKA सी स्नेक, फ्लेयर बॉटम, 10,000 शिप्स एंड डंक एन एग, जिसमें से ब्रूनो वेलर काम कर रहे थे सी स्नेक पर, अमेंडा सेगर 10,000 शिप्स पर, एंड स्टीवन कॉन्डेल डंक एंड एग पर। और ये सुनने के बाद कैसे ब्लॉइस ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली, नथिंग रियली टू रिपोर्ट देयर एंड सम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर रियली गुड, यानी कि सच में इन सभी पर काम चल रहा है। पर आगे वो कहते हैं कि हम सभी पर काम नहीं करने वाले, जो सबसे अच्छा और क्रिएटिव होगा बस उसी पर, और शायद इस साल हम इसे टीज भी नहीं करेंगे, डिपेंड करता है इन सभी के डेवलपमेंट वर्क पर। और बाद में अपनी बात को एंड करते हुए उन्होंने कुछ एनिमेटेड प्रोजेक्ट को भी हिंट किया, जिनको लेकर वो अभी खुलकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि सभी डेवलपमेंट फेज पर है, यानी कि कैंसिल भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट, प्रेजेंट टाइम में HBO मल्टीपल स्पिन ऑफ सीरीज पर काम कर रहा है, ये बात बिल्कुल सच है, और क्या पता फ्यूचर में हमें इन सभी शोज को लेकर कुछ अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल सकती है, बट जो भी अपडेट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, और अगर गलती से भी वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो करते हैं और कुछ नहीं करते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।